राजधानी पटना के नौ नाले और बादशाही पैन से अवैध निर्माण हटाने के लिए आज से अभियान शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने में जुट गया है। पहले चरण में 7 दर्जन कच्चे पक्के मकानों को ढाया जा रहा है। नाले का विस्तृत सर्वेक्षण भी होगा। सितंबर महीने के आखिर में राजधानी में हुए जलजमाव के बाद पटना उच्च न्यायालय के तल्ख तेवर से नाले की उड़ाही के लिए जिला प्रशासन के स्तर से विशेष अभियान चलाने की घोषणा की गई थी। इसके लिए जल संसाधन, जिला प्रशासन, नगर निगम एवं पथ निर्माण विभाग की संयुक्त टीमों का गठन हुआ था। 6 टीमें बनाई गई। 3 टीमों को सदर अंचल, 2 टीमों को संपतचक अंचल और 1 टीम को फुलवारी शरीफ में लगाया गया है। नालों के अब तक के हुए सर्वे में ये पाया गया कि नालों को भरकर मकान बना लिए गए हैं। कई जगहों पर पुल बना दिया गया है। कहीं कहीं तो मिट्टी भरकर नालों के ऊपर सड़क भी बनाई जा चुकी है। इन तमाम चीज़ों के बाद आज से जिला प्रशासन ने अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसके लिए बुलडोजर की मदद ली जा रही है। सुनिए, पटना के कमिश्नर संजय अग्रवाल ने अतिक्रमण को लेकर चलाए जा रहे सबसे बड़े अभियान पर क्या कुछ कहा है। पटना के लिए जल जमाव ना हो, इसके लिए बादशाही पैन काफ़ी पहले से चल रही है। उस बादशाही पैन पर लोगों ने आसपास में कच्चा पक्का कई प्रकार का अतिक्रमण कर लिया है और उसके कारण जल जमाव में बाधा उत्पन्न हो गई है। पिछले 1 महीने से नाभी अभियान चल रहा था, जिसमें कई अतिक्रमणों का चिन्हित किया गया है। उन अतिक्रमणों को आज हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पहले चरण में पक्के अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है, ताकि एक जो परमानेंट एनफोर्समेंट होगा और साथ ही साथ नालों की उड़ाई भी साथ साथ होगी। तो आज ये पहला दिन है, अगले 7 दिन तक ये अभियान चलेगा और उसमें अतिक्रमण हटाने के साथ साथ नालों की उड़ाई भी करवाई जा रहा है। चिन्हित किया गया है 60 से 70 मकानों को चिन्हित कर लिया गया है। नोटिस दे करके फिलहाल महिला को अंतिम मौका भी दे दिया गया है। जिन लोगों ने नहीं हटाया उस पर जो हटाने के अलावा उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो लोग स्वतः भी हटा रहे हैं, कुछ लोग जो नहीं हटाएंगे उन्हें फोर्सफुली हटाया जाए। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से जिन्होंने? देखिए, मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि ये जल जमाव की समस्या के स्थायी निदान के लिए नालों को फ्री रहना बहुत आवश्यक है और नालों के फ्री रहने के लिए इन अतिक्रमणों पर स्थानीय लोगों की भी नज़र रहनी चाहिए। वो भी समय समय पर प्रशासन से इसकी शिकायत करें और कोई भी आदमी अगर अतिक्रमित करता है तो उस लोगों का स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं मिलना चाहिए। आज देख सकते हैं कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है। स्थानीय लोग काफ़ी खुश हैं और वो उसकी सहमति भी दे रहे हैं कि अतिक्रमण अभियान जारी रहना।